बस स्टैंड क्षेत्र स्थित मछली एवं मटन मार्केट का स्थान अब तक परिवर्तित नहीं हो सका है। स्थानीय व्यापारी मार्केट को हर हाल में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। एसडीएम जेसीबी लेकर मछली मार्केट हटाने पहुंची तो लोगों ने विवाद किया। दूसरी ओर मछली एवं मटन कारोबारी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशासन का तर्क है कि नए बस स्टैंड के सामने मछली मटन मार्केट होने से बस स्टैंड परिसर में दुकान खरीदने वाले अपनी दुकानें शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ऊंचे दामों पर ये दुकानें खरीदी हैं, इससे उनका काफी नुकसान हो रहा है। एसडीएम ने मटन मछली मार्केट के लिए नई जगह भी तय कर दी, लेकिन व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं है। बुधवार रात एसडीएम एकता जायसवाल एवं थाना प्रभारी संजय मंडलोई भी मछली मार्केट हटाने पहुंचे और लोगों को समझाई दी, लेकिन व्यापारी जगह छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। उल्टा उन्होंने अफसरों से बहस भी की, हालांकि तात्कालिक तौर पर मछली और मटन व्यापारियों को हटा दिया गया है। सिर्फ अवैध दुकान हमारी हटा रहा है, अवैध दुकान अन्य है। अन्य दुकान हमने बताया कि अन्य दुकान क्यों नहीं हटे अवैध, मैडम कह रहे कि मेरे साथ के आपसे बात करो, तो हम हमारे से नहीं कह रहे कि आप इस नाम की बात करो, सिर्फ उनसे कह रहे कि आप इस नाम की बात करो, तो मेरा मतलब कि हम भी अवैध है क्या? दुकान तो हमारी अभी लगी, उसके पहले हम दुकान है, फिर हम का लोग का लिया। तराना में बस स्टैंड के पास ही मच्छी बाजार था, मेरी जानकारी में था, एक दो बार समझाइश भी थी मैंने, और वो लोग हमेशा ये कह के कि हम कहाँ जाएंगे, वैकल्पिक स्थान की मांग करते रहे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको स्थान या दुकान दे। आज उनको यहाँ बलपूर्वक हमने हटा दिया है, कल समझाइश भी दे दी थी। और चूँकि बस स्टैंड पर बहुत कीमती दुकानें नीलामी में लोगों ने ली है, दुकानें चालू नहीं कर पा रहे, और इसके कारण नगर पालिका का लगभग 40 लाख रुपये टैक्स भी बकाया है। आज हमने ये कार्रवाई की है, अब हमारा टैक्स भी वसूल हो जाएगा और दुकान में दुकान। अभी हमने इनको एक स्थान बताया है, वैकल्पिक व्यवस्था पे हमको बना के देना पड़ेगा मार्केट, जिस तरह का मच्छी मार्केट होता है, हम उस पर विचार कर रहे हैं।